हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ATS क्लासेस में। आज आपका बहुत ही एक उम्मीद जगी है कि जो आपकी वैकेंसी 5600 के अप्रोक्स में आपकी आई हुई है ALP की, ये बढ़ सकती है। क्योंकि इतनी बड़ी जो है ट्विटर कैंपेन हुई है, जहाँ पे 2 मिलियन से अधिक लोगों ने जो ट्वीट किया है रेलवे इंक्रीज ALP वैकेंसी, एक बहुत बड़ा महाआंदोलन जो हुआ, जिसमें जो है जैसे जितने भी लोग राहुल गांधी के जब ट्वीट कर रहे थे इनको टेक करके, इन्होंने भी आप जो आपकी समस्या है इस वैकेंसीज़ को लेके कि भाई ओनली इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ क्यों आई है, इतने बेरोजगार मतलब युवा है जो कि 5 वर्षों के बाद वैकेंसी आई है, लगभग 6 वर्षों के बाद फिर भी इतनी वैकेंसी आई है, तो इसको लेके इन्होंने भी बोला। और सबसे अच्छी बात है कि जो ऑल इंडिया रेलवे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ठीक है, एलरसा जो है ना, ये एलरसा जो है आपकी जो ALP और टेक्नीशियन जिनको रनिंग स्टाफ की जो है ये यूनियन कहलाती है, तो इन्होंने भी जो है रेलवे को भाई मतलब मिनिस्टर को जो चेयरमैन को देखो यहाँ पे लेटर लिखा है, और इस लेटर में लिख के इन्होंने बोला कि भाई आपने जो ये वैकेंसीज जो जारी की हो कितना ओनली 5696, लेकिन अगर जो है ये जो वैकेंसी जब रिव्यू किया गया था तो वो जो है लगभग 2023 में 16373 के आसपास में थी। तो इनका कहना यही है कि अभी जो ये 2024 में अपने वैकेंसी 5696 जो दिए हो, कम से कम यार ये बहुत ही गलत है और ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इतने सारे युवा जो यहाँ पे यार वेट कर रहे थे 6 सालों से कि भाई वैकेंसीज नहीं आएगी तो हम लोग तैयारी करेंगे, तो इस वैकेंसीज़ को जो है बढ़ाया जाए। और एक चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो है 2014 की वैकेंसी देख लो या 2018 की वैकेंसी देख लो, हर बार देखना कि 2014 में भी देखना अप्रोक्स जो है वैकेंसी 17,000 के आसपास में थी, 2018 में जो वैकेंसी आई थी 25-26 हज़ार के आसपास में थी, तो दोनों ही जो है वैकेंसी इस बार तो मान लो ओनली 5600 आई है, मान लो इसको हम लोग 5,500 ही मान के चलते हैं, तो दोनों ये जो वैकेंसी का जो पैटर्न था 2014 और 18 वाला, इसमें क्या कि वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो वैकेंसी बढ़ी थी, और इस बार क्या है कि इतनी कम वैकेंसीज आने के कारण इतना बड़ा आंदोलन हुआ और ट्विटर कैंपेन हो गया और यूनियन वाले भी सारे एक्टिव हो गए हैं, ये जो आंकड़ा है ये तो बढ़ेगी, बट कितनी बढ़ेगी ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन जो सीटें जो अनुमानित जो आपका 2023 का एक आंकड़ा था ये कितना था, 16373 के आसपास की थी, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई ये इससे ज़्यादा मतलब ये सीटें बढ़ सकती है। और इन्होंने रनिंग स्टाफ ने आपके बारे में क्या बात किया कि ये जो रेलवेज़ में भैया इतनी मात्रा अपने जो पोस्ट जारी की हो, यहाँ पर जितने भी क्रू है, क्रू किसको बोला जाता है, ALP लोगों को पहले लोग क्रू बोला जाता है, इनके पास ओवर बर्डन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, यहाँ स्टाफ नहीं है उसके कारण ये 12 से 20 घंटे तक भैया एक स्ट्रेस में काम करते हैं और आप वैकेंसी निकाल के लाए हो ओनली इतना, तो इसीलिए इन्होंने बोला भैया कि इसको इंक्रीज़ करो और एक सूटेबल नंबर लेकर आओ। तो देखना आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर जरूर ये जो आंकड़ा है आपको बढ़ने को मतलब बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और मैंने आपको बहुत बार बताया भी था कि यार कि यह वैकेंसी जब भी आप पूछते तो मैंने बताया था कि भाई ये आपकी जो है दिसंबर के एंड में आई गई, बट दिसंबर के एंड में नहीं आई और तो लास्ट में आपका ये जनवरी में आई गई, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वैकेंसीज तो बढ़ेगी, और कितना नंबर बढ़ेगा आप देख सकते हो जिस तरह से इन्होंने ये आंकड़ा दिया है, तो अगर भाई इसके आसपास भी अगर 4 डिजिट में भी अगर आपकी वैकेंसी बढ़ती है ना तो बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, और अभी तो आपको तैयारी करना तो इसी वैकेंसीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए तैयारी करो, ठीक है, और फॉर्म अगर आप फिलअप कर रहे हो ठीक है तो थोड़ा सा रुक जाओ 1 दिन 2 दिन, मैं भी इसके बारे में फॉर्म कैसे फिल करना उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, और कई क्योंकि एक गलती नहीं कर रहे, एक गलती फिर आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है, ठीक है, तो आराम से फॉर्म को फिल करना है और आप अपनी तैयारी अच्छे से करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास जो है पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस का तो अच्छे से सिलेबस को जो है CBT 1 को अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि आपको पता है इसमें 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, CBT 1 है, CBT 2 है और CBAT है, जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, CBAT को इसमें भी आपको मैं गाइड करूँगा और CBT 2 जो जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है उसमें भी आपको मैं गाइड करूँगा, तो बस इस ये एक इन्फॉर्मेशन था मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि हाँ मतलब इस तरीके से कुछ यूनियन वालों ने भी जो है एक्शन लिया हुआ है, और ये तो आपने देख ही सकते हो भाई ट्विटर में इतना बड़ा कैंपेन हुआ, तो राहुल गांधी ने भी इसको ट्वीट करके बोला कि भाई वैकेंसीज इतनी कम क्यों हैं जबकि 18-18 घंटे मान लो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो भाई मतलब रोज़गार तो आना चाहिए ना 6 साल के बाद अगर वैकेंसीज आ रही है तो, और कोई अगर अपडेट मिलता तो यार मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ, और डाउट कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पोस्ट करना, कमेंट करना, ठीक है, मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।